हेलो फ्रेंड्स, वन सेकेंड, वेलकम टू मधुज ऑनलाइन रेसिपीज। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू बखारे की चटनी, और आलू बखारा पूरा गुणों से भरा हुआ है। ऐसे हम इसे रॉ खाना कम पसंद करते हैं, इसीलिए आज उसकी चटनी बनाएंगे। उससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये हमारे लगभग 500 ग्राम्स हमने आलू बखारे लिए हैं। इसमें डार्क कलर के हैं और लाइट कलर के हैं, ये दोनों हैं हमारे। डार्क कलर वाले थोड़े मीठे होते हैं और जो लाइट रहते हैं वो थोड़े खट्टे रहते हैं, इसलिए हमने दोनों को मिक्स कर लिया है ताकि हमारी चटनी जो खट्टी मीठी अच्छी बैठे। अब हमने इसे अच्छे से धो लिया है। अब इसे हम काट करके छोटे छोटे टुकड़ों में इसे हम काट लेंगे। हम छिलके के साथ में ही हम इसे काटेंगे, क्योंकि छिलका इनका बहुत ही गुणों से भरा है और खट्टापन भी छिलके में ज़्यादा रहता है। ये हमारा 350 ग्राम्स के लगभग, अब हमारा ये जो बल्ब निकला है ये 350 ग्राम्स है हमारा। अब इसे हम जार में डाल करके पीस लेंगे। ये हमारा पीस गया है। अब इसे हम एक पैन में डाल देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं इसे हम पीसे हुए को। फ्लेम हमारा ऑन था इसीलिए एक बार हम आगे हिला देंगे इसे हम। अब इसके बाद में, हिलने के बाद में, हम इसमें हम डालेंगे देसी खंड। देसी खंड हमारी 250 ग्राम्स है। आप इसकी जगह चीनी या गुड़ भी यूज़ कर सकते हैं, आपके ऊपर है चॉइस। ये देसी खंड गुड्स अच्छा रहता है चीनी के बजाय, इसलिए हमने देसी खंड यूज़ करी है। अब उसे अच्छे से मिक्स करके इसे हम बॉयल आने के लिए रखेंगे। ये बॉयल आ गया हमारा। अब इसे हम ढक करके पकाने के लिए छोड़ देंगे, बीच बीच में इसे हिलाते रहें। थोड़ी देर बाद में हम देखते हैं, देखिए आगे से कलर हमारा डार्क हो गया है और कंसिस्टेंसी भी थोड़ी सी गाढ़ी हो गई है। एक बार साइड का हम सब इसका निकाल देते हैं। ये देखिए आगे से थोड़ी सी हेवी हो गई हमारी कंसिस्टेंसी। इसमें अब हम डाल देंगे लगभग एक चम्मच जितनी सौंफ, साबुत सौंफ जो हरी आती है वो डालेंगे। इससे फ्लेवर इसका बहुत अच्छा टेस्ट और फ्लेवर दौर बहुत ही अच्छा जाता है। इसका स्मेल भी बहुत अच्छी आती है सौंफ की इसमें। अब इसे हमने मिला दिया है, और जो थोड़े पीस जो आलू बुखारे के जो दिख रहे हैं उसे हम चम्मच की सहायता से क्रश कर देंगे ताकि वो चटनी में पूरी मिल जाए अच्छे से। ये हमने कर दिया है। अब इसे हम ढक करके थोड़ा देर और पकने के लिए छोड़ देंगे। थोड़ी देर हो गई है, ये देखिए आगे से कितनी हमारी गाढ़ा दिख रहा है, कलर जो है कितना डार्क दिख रहा है, और चटनी भी हमारी आगे से गाढ़ी हो गई है, ये देखिए। अब इसमें हम थोड़े से और मसाले और किशमिश डालेंगे। सबसे पहले हमने किशमिश ली है, 10 से 15 किशमिश हम इसमें डाल देंगे धो करके। ये भी ऑप्शनल है, सौंफ भी आपकी ऑप्शनल है। अब इसमें डालेंगे लाल मिर्ची पाउडर आधी छोटी चम्मच, काला नमक हमने डाला है ये लगभग एक चम्मच जितना है, आप अपने हिसाब से टेस्ट के हिसाब से डाल लें। काली मिर्ची पाउडर आधी छोटी चम्मच, ब्लैक पेपर। अब हम डालेंगे इसमें ड्राई जिंजर यानी सौंठ हमारी, ये भी आधी छोटी चम्मच। आलू बखारा जैसे हम जानते हैं बहुत गुणों से भरा है, पर इसे हम खाना कम पसंद करते हैं। बच्चे इसे बहुत अवॉइड करते हैं इसके खट्टेपन के लिए, तो इस तरह से अगर हम चटनी बनाएं तो वो उन्हें शौक से खाएंगे। थोड़ी देर ढक के हमने और इसे पकाया ताकि उसका मसाला है जो उसमें उसका फ्लेवर आ जाए, और थोड़ी जो पतली जो है वो पूरी बराबर हमारी कंसिस्टेंसी आ गई है। ये देखिए हमारी चटनी कितनी गाढ़ी दिख रही है, और कलर भी एकदम कितना अच्छा और डार्क एकदम कलर आया है, और हमें कोई भी इसमें कलर और यूज़ नहीं किया है, क्योंकि छिलके उसमें ही बहुत अच्छा कलर रहता है। और ये पूरे गुण भी इसमें आ गए हैं जो हमारे आलू बुखारे में हमें चाहिए, वो सारे के सारे इस चटनी के द्वारा हम ले सकते हैं। अब ये ठंडा हमने कर लिया है, ये देखिए ठंडे के बाद में ये कितनी गाढ़ी और हो गई है। अब अगर आपको इसको प्रिजर्व करना है तो आप इसमें विनेगर डाल करके इसे प्रिजर्व कर सकते हैं फ्रिज के अंदर रख करके। आप इसे किसी भी स्नैक्स और के साथ में आप इसे यूज़ करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं।